ये सब भाई उनका एम्पायर ही एक हिसाब से, अभी जैसे हमने देख ली तो बता नहीं सकता भाई कैसी फीलिंग आ रही है उसको देखते हो। बुरा भी लग रहा है भाई हमारे भाई। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली उतारती क्रॉस कर दी जगह, और कुछ गन शॉट्स यहाँ पे भी हैं। गाइस अब अंदर आ चुके हैं हम ऑलमोस्ट एंट्री ले लिए। अब ये देखोगे इस साइड बहुत सुंदर बना रखा है, इस साइड बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है। अभी आपको टॉप से दिखाते व्यू, इंजॉय करो सर, काम मत करो, इंजॉय करो लाइफ। बढ़िया प्राइवेट पूल में इंजॉय कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट लेवल फन। तो गाइस वेलकम टू अदर ब्लॉग, और आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बिकॉज मैं जा रहा हूँ पंजाब, एंड आज मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ। एंड हमने ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो ट्रैवल कर लिया है, तो मैंने सुबह इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज सुबह क्या है, एक तो रात हो रखी थी, मैं बहुत जल्दी चल गया था घर से। दूसरी चीज़ आप फ्री कहते हैं कि आप हाईवे और बस की गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो मैंने कहा चलो आपको डायरेक्ट भी कहा, आधा रास्ता हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, सरप्राइज हमारा। सरप्राइज दे रहे हैं, हम किसी को बता के नहीं जा रहे कि हम जा रहे हैं मम्मी के साथ, चुपचाप जा रहे हैं। तो अभी तो हम ब्रेकफास्ट करने रुके हैं यहाँ पे, मम्मी की फेवरेट जगह ये, अंदर चल के आपको दिखाते हैं, बहुत ही शानदार है। आप जब भी आओ ना यहाँ पे, रतनगढ़ में पड़ती है, तो यहाँ जरूर आना। अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये रही वो जगह, यहाँ पे लिखा है लव रतन धारा और रतन महल। इसका खाना और टेस्ट भाई, प्लस यहाँ की जो एम्बियंस है वो मेरी तो फेवरेट है, ये साथ में मम्मी की फेवरेट है। आपकी फेवरेट जगह है ना ये, बिल्कुल। चलो अंदर से दिखाते हैं आपको। तो ये यहाँ का एम्बियंस आप देखो, बहुत प्यारा। और इधर एक कैफ़े भी है, बैठो माम। तो ये यहाँ का कैफ़े था, साइड जाएंगे हम। यार भाई बहुत प्यारा पूल, मतलब एम्बियंस तो है। ये है ना, ये होटल है, यहाँ पे आप मतलब रूम वगैरह लेना हो, अब रतनगढ़ आए तो यहाँ रुक सकते हैं, बढ़िया जगह है। यहाँ का पूल है बढ़िया शानदार। खैर अब खाना ऑर्डर करते हैं, आपको दिखाते हैं खाने में क्या खाएंगे आज। तो गाइस यहाँ पे ऑर्डर करें ये पनीर पराठा और आलू पराठा, जो है मम्मी का फेवरेट, विद चाय। तो गाइस यहाँ से हो गए फ्री, यहाँ का खाना नो डाउट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, गजब का। हमने पराठे लिए थे तो पराठे बहुत ही ज़्यादा शानदार है, मज़ा आ गया। मम्मी को भी बहुत फेवरेट है यहाँ का खाना। कीड़ा है वो बात नहीं, अच्छा कीड़ा साथ में जाएगा, चलो वेल एंड गुड, कीड़ा हम साथ लेके जा रहे हैं। खाना बहुत टेस्टी लगा, मज़ा आ गया। तो गाइज ऑलमोस्ट हमने डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर लिया है, लोकेशन पे पहुँचने लगे। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया है, गन्ने का जूस वगैरह पिया। गर्मी गाइज इतनी भयंकर हो रही है ना, अब इस गाड़ी में 38 शो कर रहा है टेम्परेचर, लेकिन बाहर आएगा 40 क्रॉस है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। भी मैं नीचे उतरा था ना तो ऐसे लगा कि जैसे किसी ने ज्वालामुखी छोड़ दिया ऊपर, मतलब नेक्स्ट लेवल गर्मी है। और अभी बस डिस्टेंस थोड़ा सा रह गया पहुँचने लगे, तो मज़ा आ गया इस बार चलाने में गाड़ी, तो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कल तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गया था यार मैं, मतलब ऐसे हो गया था आते ही ना सो जाऊँ मैं, वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर मैंने ना सो गया। मैं कहा चलो कल ही शूट करेंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं यहाँ के। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये है राइस, इसको पंजाबी में झोना बोलते हैं, बट आपके लिए ईजी कर दिया तो ये राइस है। और इसमें लग रहा है पानी, ये देखो यहाँ से पानी हो गए इस चैनल के थ्रू पूरे के तो में जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे भी, अगर यहाँ से दिख रहा हो, इसमें जूम नहीं हो रहा, वहाँ पीछे भी एक चल रहा है, लेकिन आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ यहाँ के अलग ही सीन है। तो ये चीज़ है भाई, यहाँ फ्रेशनेस तो है, आप खेतों में आते हो ना तो यहाँ का मुकाबला नहीं है। तो ये देखो ये यहाँ से पानी जा रहा है इन चैनल्स के थ्रू खेतों में जा रहा है, जैसे यहाँ से जा रहा है ये चैनल आगे जा रहा है, और वहाँ से होते हुए सारे चला जाएगा। बाकी जहाँ आपको रोकना है, जैसे यहाँ पर पानी रोकना है, तो ये जो ब्लॉकेज लगा रखा है ना, ये ब्लॉकेज लगा के आप रोक सकते हैं। ये देखो आप ग्रीनरी देखो, ये अंदर पानी है, ग्रीनरी देखो भाई, शानदार ग्रीनरी है। ये तो इधर फ्रूट्स और सब लगा रखे हैं हमने, वेजिटेबल वगैरह ऑर्गेनिक है घर के लिए, जो घर पे यूज़ होती है,
बिकॉज मैंने बताया था पुराने ब्लॉग में, लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे घर पे उगाते हैं, इसलिए घर पे पूरा उगा रखा है, कंप्लीट फ्रूट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स हो गए, सब उगा रखा है। और अगर इसके इसका एक्सप्लेनेशन देखना है ना कि कौन से फ्रूट है क्या है, वो मेरे पुराने ब्लॉग में सारे हैं, मैंने वहाँ से लेकर पूरा कवर करा था, वो आप पुरानी सीरीज देख लो उसमें मिल जाएगा। अभी तो अभी ग्रीनरी देखो भाई, जैसे ये लगी हुई गाइस देखो, ये तोरी है, इसको तोराई बोलते हैं हिंदी में, इसमें लगी हुई है बहुत सारी वेजिटेबल्स, सब्जी। इस लगी है मैं तो गाइस ये आपकी लाल मिर्च, इसमें लगी हुई है मिर्चे मिर्चे, यहाँ देखो हरी भी है काफ़ी सारी हैं, इसमें भी बहुत सारी लगी हुई हैं, 200% ऑर्गेनिक है ये सारी। तो गाइस ये एक पेठा मिल गया यहाँ पे, ऑर्गेनिक घर का पेठा, इसको तोड़ लेते हैं, इसकी सब्जी बनाएंगे आज, तोड़ लिया, इसको लेके चलते हैं, इसी की सब्जी खाएंगे आज मस्त। और ये आ गया, अभी आपको टॉप से दिखाते हैं व्यू, ये पूरा टॉप का कंप्लीट व्यू है, जो मैंने आपको बोला था ना गाइस कि पंजाब में जैसा वातावरण है, जैसी खेती है, इसका अलग ही मज़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया भाई पंजाब, मज़ा आ गया। गाइस यहाँ पे पट्टे वट्टे जा रहे हैं, बेसिकली जो चारा होता है गाय के लिए उसको काट रहे हैं, खेत से इसको भी आपके सामने से लेके आए थे, डाल के से कुतरा जा रहा है, और फिर ये गाय को सर्व किया जाएगा ताकि वो हमें मिल्क प्रोडक्ट दे सके। कर रहे हैं, आ जाएगा 2 मिनट में आ जाएगा खाना तुम्हारा, वेट करो थोड़ी सी देर की बात है। गाइस शी इज हंग्री। तो गाइस अभी काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, आपने देख ही लोगी, गर्मी बहुत हो रही है और मेरा मन कर रहा है मैं इसी में स्विमिंग कर लूँ, बचपन में खूब नहाया यार इसमें, मतलब अलग ही मेमोरी जुड़ी है यहाँ से, अभी मैं सोच रहा हूँ इसी में नहा लूँ जा तो। और मैं ये कह रहा था कि आप लोग सोच रहे हो कहीं गाइस, मतलब मैं ऐसे एज अ लेमैन बताता हूँ कि इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है ये और वो, ऐसा नहीं है, देखो मैं फार्मिंग फैमिली से हूँ, मैं बचपन मेरा पूरा यहीं गुजरा है, मेरे को एक एक चीज़ का पता है, बट मैं एज अ लेमैन आपको दिखाता हूँ चीज़ें, बिकॉज मान लीजिए जैसे आप यहाँ घूमने आए, क्योंकि मेरे ब्लॉग में बेसिकली आप कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, कि आप खुद को फील करते हैं कि आप खुद हैं मेरी वीडियो में। मान लीजिए आप यहाँ पर आए और आपको कुछ नहीं पता है वहाँ, जस्ट अ गेस, आपको नहीं पता है, तो उस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें ताकि आपको एक एक चीज़ पता चल सके कि ये चीज़ है, मुझे तो पता है, लेकिन अगर मैं एज अ लेमैन नहीं ट्रीट करूँगा खुद को भी तो वो बहुत अजीब लगेगा, मगर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगे वीडियो में, तो इस वजह से मेरे जो व्यूअर है वो मुझसे इसलिए कनेक्ट कर पाते हो, बोलते भैया आपकी जो लैंग्वेज है ना, जो आपका तरीका बिल्कुल लेमैन वाला है, ऐसा लगता है हम खुद ही हैं वीडियो में, तो इसलिए मैं करता हूँ। बाकी हम नहाते हैं इसमें और खूब इन्जॉय करते हैं, आगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम यहाँ पर 8-10 दिन हैं तो बढ़िया इन्जॉय करेंगे। गर्मी बहुत है गाइस, ये तो है, इसलिए ये मस्त है।
तो गाइस मैंने मुंह तो गीला कर ही लिया, आपने वीडियो भी देख लो भाई, इसमें जो फ्रेशनेस है ना यार वो कहीं नहीं है भाई। आप कितने महंगे पूल में नहा लो, कितने कुछ में नहा लो, ये ट्यूबवेल के जो मजे है ना, इसको बोर बोलते हैं पंजाबी में, बोर या ट्यूबवेल के जो मजे हैं वो कहीं नहीं भाई, मज़ा आ गया। अब नाश्ता वास्ता करते थोड़ा। तो गाइस अभी शाम हो गई है, अभी आपको मैं मौसम दिखा दूँ, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ पे, आप देखो। थोड़ा बाहर चल के आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, बाहर चल के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बाहर चला जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ये मौसम भी, और ये ग्रीनरी, मतलब ये प्योर, मतलब यहाँ पे से है ना जो एकदम प्योर फीलिंग आती है कि हाँ भाई अपनी बॉडी को ऐसा लगता है पूरी प्योरीफाइड हवा अंदर आ रही है, पूरी प्योरीफाइड ऑक्सीजन और वो सब, मतलब मज़ा आ जाता भाई, ऐसा लगता है प्योरीफाइड लोग लगाते हैं ना घर पे अपनी गाड़ियों में एयर प्योरीफायर, उसका ही बाप है ये, बिकॉज ये रियल प्योरीफायर है हमारे, तो वो जो आ रही है स्मेल अंदर भाई साहब मज़ा आ गया, मतलब ऐसे फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, बहुत बहुत लाइवली फील हो रहा है, आप देखो मज़ा आ गया यार। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह सुबह निकल चुका हूँ मैं गाड़ी वगैरह में, बिकॉज यहाँ पे मेरा जिम जाने का मन नहीं था, मैं वैसे ही था कि नेचर में कुछ कार्डियो किया जाए, तो मैं साइकिलिंग करने निकल गया सुबह सुबह। ये हीरो जेट साइकिल है जो कि सबसे फेमस है हरियाणा पंजाब राजस्थान में भी, और देखो अब व्यू, सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7 बज गए, मज़ा आ रहा है भाई कार्डियो करने में, ओह मतलब ऐसी फ्रेशनेस फील हो रही है बता नहीं सकता मैं, तो यस इट इज़ वेरी फन। खैर सांस चढ़ गई है बिकॉज इस साइकिल में थोड़ी हवा कम है तो ज़ोर लग रहा है, और साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोल रहा हूँ तो इस वजह से, तो डोंट माइंड दैट। बाकी चलो एक्सप्लोर करते हैं सुबह सुबह। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वापस से टाइम मैंने क्या व्हीकल स्वैप कर लिया, तो ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर, और सबसे अच्छी बात इसमें बताऊँ क्या है, इसमें बैक गियर भी है, या अभी स्पीड दिख रहा है ना, ये दबा के अगर एक्सेलेटर दोगे ना तो पीछे चल जाएगी, तो ये बढ़िया बात है कि बैक गियर, मतलब आपको अपनी कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई बहुत ज़्यादा कसरत के बाद हम इसको बैक करते हैं, तो वो सीन नहीं है। बाकी चलो इसको चलाते हैं, लेट्स सी क्या पावर है इसमें क्या नहीं है, स्टार्ट करने का ये तरीका, उसे दबाव हो गई स्टार्ट वेरी इजी, देखते क्या सीन है। ये देखो भाई साहब ना पॉल्यूशन तो देखो बैटरीज करती है, तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि पॉल्यूशन नहीं होगा, बैटरीज पॉल्यूशन करती है डेफिनेटली, बट ये है कि एक बार क्लिप में लग जाएगा भाई ये नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हो रहा, और बाकी दूसरा पॉल्यूशन देखो बैटरीज बनती है तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे तो कह नहीं सकते। ओह माय गॉड ये हो, ये नॉइस पॉल्यूशन की बात करता, हाँ नॉइस पॉल्यूशन के लिए मैं कह सकता हूँ भाई नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन बाकी जो आम पॉल्यूशन है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज क्या सीन है मैं आपको बताऊँ, बिकॉज जब बैटरी बनती है ना तो जितना पॉल्यूशन ये अपने नॉर्मल जो स्कूटर वगैरह होते हैं, नॉर्मल डीजल पेट्रोल व्हीकल होते हैं वो नहीं करते, जितना एक बैटरी बनने में कर देती है, बाकी नॉइस पॉल्यूशन यस डेफिनेटली, बट हाँ मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, ऐसी बात नहीं है। देखो आप व्यू, इस व्यू में तो कुछ भी चलाओ, साइकिल चलाओ, कुछ चलो, कुछ भी चलो, मज़ा तो आएगा ही आएगा, बाकी व्यू इज़ गुड एज वेल। तो गाइज अभी शाम हो गई एंड अभी यहाँ स्विमिंग करने आए हैं, दोनों गाड़ी लेके आए हैं, और दोस्त लोग भी हमारे साथ में, मेरे मामा हैं एंड कज़न है, अभी जाके पूल देखते हैं पूल कैसा है, देन हम इन्जॉय करेंगे, कि भाई पूल बढ़िया हो तो फिर डेफिनेटली है कि भाई खाएंगे पियेंगे और यू नो पार्टी शार्टी वीकेंड। तो गाइस हम दूसरा पूल ढूंढने आए थे लेकिन गूगल मैप्स ने एज यूजुअल हमें खेतों में लाकर खड़ा कर दिया है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई पूल नहीं दिख रहा है, तो गूगल मैप्स पर भरोसा ना करें, अभी हम देख रहे हैं आसपास मिल जाए तो लोकेशन फ़ोन कराए, एक बार देखते वो पूल कैसा, अगर सही लगा तो स्विमिंग कर लेंगे, वरना ड्रॉप कर देंगे प्लान और खा पी के घर चले जाएंगे, देखो क्या सीन होता है। गाइस पुराने गाँव में नवा गाँव मिल गया, वो रहा पूल, अभी आपको पास जाकर दिखाते हैं, अंगो लीए इतो चलिए, वो अंगो ही लेने, बापरे इनको भी गड्डी साड़ी बड़ी है तो बड़े वो बनाओ रहा। गाइस ये देखो कैसी जगह पूल बनाया, और ये आ गया नया गांव एंटर, देख के एंटर ले जाइए अंदर, लेंडर की लेगड़ी लैम्बोर की नहीं, और लेके वो पुलिस वाले की गड्डी खड़ी है, पुलिस वाले भी आए ना होना, गाइस यहां पे पंजाब पुलिस ना होना ही है, छापा पै गया लगता है, चेकिंग करना है, चेकिंग वो करके भी
ਤੜਕੇ 1000 ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ 1100 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ 1100 ਲੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਮਰੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਬੜੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਬੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੈਸਾ ਹੈ ਅਭੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ गाइज ये लिखा है आई लव मलोट नया सो गाइज फुल मजा आ रहा है पूल में यहाँ पे अलग ही लेवल की वाइब है तो अपना ये कहना है पूल में आके जिंदगी में बस काम मत करो आराम भी करो आराम बहुत ज़रूरी है लोग आराम नहीं करते हैं सिर्फ काम करते रहते हैं तो वो मत करो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर को व्यूअर्स को हमारे क्या कहना चाहेंगे आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे गगन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गाइस यही मैसेज है कि कोई मैसेज नहीं है कोई मैसेज नहीं है लाइफ एंजॉय करो सर काम मत करो एंजॉय करो लाइफ बढ़िया प्राइवेट पूल में एंजॉय कर रहे हैं देखो नेक्स्ट लेवल फन तो गाइस डन एंड डस्टेड फॉर द डे मौसम नेक्स्ट लेवल हो रहा है कल सुबह ट्रिप पे एक और निकलना है वहीं सुबह से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे अभी तो मज़ा आ गया गाइस लाइव एक्सीडेंट हो गया सामने अल्टो बिखर गई है पापा के तो गाइस अब शाम हो गई है एंड आज अगला दिन है ये मैं सोच रहा हूँ किसी दिन से व्लॉग कंटिन्यू रहा अगला दिन है एंड हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया मूवी आई है मस्ताने करके बहुत शानदार मूवी आई है वो देखने जा रहे हैं आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कौन सी है एक धार्मिक मूवी है तो सब लोग जरूर देखें इसको हम आपको आगे जाके दिखाते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट छुप गए व्लॉग देख के छुप गए हैं पीछे अंदर नहीं आ रहे गाड़ी के रेडी हैं अभी चलते हैं सिनेमा फिर आपको जगह दिखाते हैं कौन सी मूवी क्या है तो गाइस गाड़ी पार्क कर दी है और सेंटर इसका बच्चा लग रही है दोनों सिल्वर में देखो आप और ये हमारा मॉल है जहाँ मूवी देखने आए हैं हम कज़न लोग आए हैं मेरे मामा जी आए हैं तो CCP में हम देखने आए हैं मूवी का नाम मस्ताने है ये बेसिकली तरसेम जसड़ है उनकी मूवी है एंड दिस मूवी इज़ बट धार्मिक और रिलीजियस मूवी है मतलब सिख हिस्ट्री पे बेसिकली तो आप देखना ज़रूर मुझे भी ज़्यादा नहीं पता बाकी देख के पता चलेगा मूवी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज फिर क्या है कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा बट आपको ये भी दिखा देता हूँ भाई कौन सी मूवी है क्या है उससे आपको आइडिया लग जाएगा और मूवी ये वाली है मस्ताने अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं गाइस मूवी स्टार्ट होने लगी एंड हाउसफुल हो गया पूरा सारे बैठ गए बिजी है भाई बंदा सारे बैठ गए हाउसफुल हो गया ऑलमोस्ट मूवी स्टार्ट होने लगी है मूवी बहुत बढ़िया लग रही है मतलब पोस्टर वगैरह नहीं में लोग दस रहे बाकी इसमें स्टार्ट हो दस आए गाइस अभी इंटरवल हो गया मूवी अभी तक तो बढ़िया है बट अब स्टोरी बनेगी मेन अब देखते हैं कैसी क्या रहती है पहले तो कुछ नहीं बना पहले कुछ नहीं बना अब स्टोरी बनेगी तो गाइस मूवी हमने देख ली मूवी बहुत ज़बरदस्त मूवी है मतलब बेसिकली हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बनी है बताया है तो बहुत बढ़िया मूवी है मस्ट वॉच है जाके देखो आई गेस ये OTT पे भी आ जाएगी हिंदी में भी आ जाएगी तो ज़रूर से देखना मूवी बहुत शानदार है अभी कॉफ़ी वगैरह पीने आए हैं अभी चिल करने कैफे बहुत बढ़िया कॉफ़ी वॉफ़ी पीने आए हैं दैन सुबह एक और ट्रिप पर निकलना है तो सुबह ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे अभी कॉफ़ी वगैरह चिल करते हैं मूवी बहुत शानदार देख लो जाके मज़ा आ जाएगा तो आज हम जा रहे हैं तलवंडी साबो गुरुद्वारा एंड उसके बाद हम जाएंगे मूसा पिंड दैट इज़ नोन फॉर सिद्धू मूसेवाला तो हम उनके गांव जाएंगे उससे पहले हम गुरुद्वारे जा रहे हैं दोनों जगह बहुत एपिक है दोनों जगह हम आपको जाके दिखाते हैं बस ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं बाकी अब गुरुद्वारे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ रास्ते में कुछ होगा वो भी दिखा देंगे तो लेट्स गो गाइस यहाँ से एंट्री है यहाँ से बंदर जाएंगे देखो तो गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर गुरुद्वारा है यहाँ पे इस साइड से लेके सामने जूम इन करके दिखाता हूँ आपको बाकी पास से तो दिखाऊंगा आपको मतलब देखो कितना ब्यूटीफुल है गाइस अब अंदर आ चुके हैं ऑलमोस्ट एंट्री ले लिए अब ये देख सकते इस साइड बहुत सुंदर बना रखा है इस साइड बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है अभी इसमें वीडियो में इतना नहीं दिख रहा वहाँ जो आगे है आपको वहाँ आगे जाके बढ़िया दिखाता हूँ प्रॉपरली कैसे क्या है तो अभी आप देखना
ये जो गुरुद्वारा है यहाँ पे बेसिकली स्लेट पे लिखते हैं, उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या होता है कि मतलब जो भी पढ़ाई में वीक वगैरह या कैसे वो जब मतलब नहीं भी अच्छा है तो लिखने के बाद क्या होता है उनको पढ़ाई बहुत अच्छी आती है, तो बेसिकली यहाँ पे स्लेट पे क्या लिखते हैं वो मैं आपको जाकर दिखाता हूँ अंदर। कैसे यहाँ पे देख ले लिए जो बेसिकली प्रसाद होता है उसको अंदर चढ़ाएंगे एंड देन हम खाएंगे। देख तो बहुत फेमस है जो बेसिकली सबको पता होगा जो गुरुद्वारा जाते हैं उनको पता होगा देख इज बेसिकली प्रसाद एंड प्रसाद बेसिकली हलवा होता है वो एंड उसको देख बोलते हैं पंजाबी में, बाकी जो लोग गुरुद्वारे जाते हैं उनको आइडिया होगा। और यहाँ पे बहुत ही साफ जल यहाँ से एंट्री लेंगे। और केयर मेंटेनेंस सब बहुत बढ़िया है। बहुत ही प्यारा है गाइस, यहाँ पे सरोवर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले स्नान करेंगे, 5 स्नान होते हैं उसके बाद हम अंदर मत्था टेकने जाएंगे, तो स्नान करते हैं। तो गाइस हमने 5 स्नान कर लिए हैं, हाथ मुंह धो लिए एंड अब अंदर जाएंगे मत्था टेकने, दिखाते हैं आपको। गाइस निशान साहब भाई, निशान साहब बोलते हैं इसको, निशान साहब में मत्था टेक लिया हमने और इस साइड भी है, अभी अंदर चलते हैं। ये पूरे गुरुद्वारे की एक इमेज है आपको दिखाते हुए। तो अभी मैंने आपको अंदर एक जो गन दिखाई थी बेसिकली जो शस्त्र थे साथ में एक शीशा था, वो किसी का मतलब मान लीजिए मुंह वगैरह पैरालाइज हो जाता है तो वहाँ के अगर वो शीशे को देख लेता है तो फिर उनकी जो पैरालाइज वाली प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। तो ये अलग ही यहाँ पर यार फीलिंग मतलब बता नहीं सकता, गुरुद्वारे में अलग स्पिरिचुअल फीलिंग है, ऐसे रोंगटे खड़े जाते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं अपनी। बस ये वो गुरुद्वारा है जब मैंने आपको बताया बैठ के लिखते हैं वहाँ लोग लिख रहे हैं, अपन भी लिखेंगे, आपको वहीं चल के दिखाते हैं अभी। यहाँ देख सकते हैं सब लिख रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वो खुद आके लिख सकते हैं, उनके पेरेंट्स लिख सकते हैं, इसके बाद पढ़ाई बहुत अच्छी आती है, तो यहाँ सब लिख रहे हैं। मैं बड़े दिनों बाद इसमें चाय पी रहा हूँ, पुरानी याद आए ताज़ा हो गई यार, लंगर की चाय है बहुत प्यारा टेस्ट है, बहुत दिनों बाद पी रहा हूँ सच में, तो पुरानी यादें सच में ताज़ा हो गई। अंदर मैं जितना रिकॉर्ड कर पाया उतना मैंने कर लिया, बिकॉज अंदर क्या प्रॉब्लम थी मतलब बेसिकली यहाँ पर रूल्स होते हैं कि आप कैमरा नहीं यूज़ कर सकते या फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते या लिमिटेड यूज़ कर सकते हो, तो वो सबको फॉलो करते हुए करा मैं, क्या किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, अपन रिलीजियस प्लेस पे आए हैं अपन को आइडिया नहीं होता भाई कैमरा क्यों मना है क्यों प्रोहिबिटेड है क्या है, तो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाया उतना मैंने करा। अब यहाँ से डायरेक्ट चल रहे हैं मूसा पिंड जो हमारे सिद्धू भाई का पिंड है, वहाँ पर उनकी हवेली पर जा रहे हैं पहले, फिर आपको वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं मूसा एंड ये बाइक की हवेली है, लेफ्ट में आते ही मिल गए हमें, फोटो वगैरह सब लगे इसे और गेट से खड़े है बंदे, आ हवेली है भाई जी देख सकते हैं ये भाई की हवेली है, इधर से मेन रोड से आते ही जस्ट मेन रोड से आती है हल्का सा अंदर आती है लेफ्ट साइड पे दिख जाएगी आपको बैरिकेडिंग दिख जाएगी पुलिस की,
तो गाइस ये सिद्धू भाई की समाधि जो यहाँ पे बनाई है, बेसिकली उनकी मूर्ति है जो आपने बहुत सारी रील और वीडियोस में देखी होगी, वो यहाँ बना रखी है सामने, आपको दिखाते हैं चल के अभी। सिद्धू मूसेवाले की ईवी है जो एक म्यूजिक में यूज करी गई थी, उनकी ईवी है। गाइस ये जो समाधि देख रहे हैं आप सिद्धू भाई की, उनको बेसिकली उनका जो लास्ट राइट वगैरह जो होते हैं वो यहीं करे गए थे, एग्जैक्टली जहाँ पे वो स्टैचू है उनका वहीं करे गए थे एंड उसके ऊपर स्टैचू बनाया गया, तो यही वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। गाइस आप ये सामने जो फार्म देख रहे हैं ना, ये खेत हैं, ये सारे सिद्धू भाई के हैं एंड ये वो टाली है एंड यहाँ पे इनका लास्ट राइट हुआ था। तो ये जो है ना टाली, इन्होंने अपने गाने में कहा था कि टाली वाले खेत बने सिवा मेरा, तो दिस इज सिवा एंड ये टाली वाले। तो अपने गानों में ये रियलिटी लिख के गए थे, एकदम रियलिटी लिख के गए थे। ये ज़मीन कह रहा उन्होंने बाद में खरीदी थी जब वो कनाडा से आए थे। तो ये सारे जो फार्म देख रहे हैं आपको, ये सिद्धू भाई के हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सिद्धू भाई का असैसिनेशन हुआ था। यहाँ पे देखो आप गोलियाँ लगी हुई हैं और उनके जो थार थी वो एग्जैक्टली इस जगह थी, ये जो बना रखा है संदीप। हाँ जी, ये जो क्रॉस बना रखा है यहाँ एग्जैक्टली उनकी थार थी, यहाँ सामने से फायरिंग हुई थी और वहाँ पे गोलियाँ लगी हुई हैं। पास से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे गन शॉट लगे हुए हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वो थार थी, क्रॉस कर दी जगह और कुछ गन शॉट्स यहाँ पे भी हैं। गाइस अब हम घर के अंदर हैं, ये उनकी सिद्धू भाई की हवेली है, यहाँ बहुत भीड़ लगी, बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनके फ़ैन हैं, इनकी गाड़ियाँ वो भी आपको दिखाते हैं। ये मेन हवेली है, बहुत सच में हवेली बहुत सुंदर है भाई की। आपको उनको गाड़ियों का कलेक्शन दिखाता हूँ एंड ये उनका कुत्ता है जो सिद्धू भाई का पेट था हमारा, इहदा नाम शेरा सी ना, शेरा ना इहदा नाम, शेरे। भाई ने कुत्ते बड़े कैंट रखे भाई ने। ये उनकी ईवी थी, ये फोर्ड ट्रैक्टर है, नहीं आप लगी ना रस्सियाँ, ये उनका फोर्ड ट्रैक्टर है, ये भाई का मतलब आप कुछ भी कहो नाट 11 जो गाने भी हैं, नाट 11 सबसे फेमस है, नाट 11 है इस साइड। ये भाई का नाट 11 है, ये गाने वाला है, भाई ने जो रेडी कराया था ये नाट 11 है। ये भाई की स्कॉर्पियो है, ये भाई की जो जीप है जो तैयार कराई थी उन्होंने, और ये भाई की थार है और उनका प्री ट्रैक्टर है जोटा। यहाँ पे गन शॉट देख सकते हैं, गाड़ी में लगे हुए हैं जो भी गोली मारी गई थी, ये उनकी लास्ट राइड थी बेसिकली। ये उनका ट्रैक्टर है, बाकी ये सब पुलिस वाले एस्कॉर्ट खड़ी हैं। अरे एक मूर्ति भी वहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं उनकी। ये थार है एंड आप देख सकते हो एटलीस्ट
20 के आसपास गन शॉट्स हैं इसके ऊपर, अगर हमने काउंट करें तो 20 के आसपास गन शॉट्स हैं। साइड में भी लगी हुई गोलियाँ, 20-30 गन शॉट आराम से लगे हैं इस पर। ये सब भाई उनका एम्पायर ही एक हिसाब से, वीडियो वगैरह से हमने देख ली तो बता नहीं सकता भाई कैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के। बुरा भी लग रहा है भाई हमारे भाई, हम मैं यहाँ पे आया हूँ, काश भाई यहाँ पे होते तब मैं यहाँ पे आया होता, बट कोई बात नहीं, जैसा होता है वैसी होती चीज़ें, अपन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि कोई बात नहीं कभी जाके मिलाएंगे, बट जब लोग चले जाते तब उनकी वैल्यू एक्चुअल में सबको समझ आती है, हमें तो खैर पहले भी थी लेकिन सबको अब समझ में आ गई उनकी क्या वैल्यू थी, तो ये चीज़ है। तो गाइस ये उनकी एक और मूर्ति, अब इसमें क्या रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ रहा है, बट ये ऐसा लग रहा है एकदम ही ओरिजिनल बनाई हुई, जैसे वो खुद ही खड़े हैं हाथ वगैरह, मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है स्किन की फीलिंग है, एकदम ओरिजिनल की तरह बनाई है। एक मूर्ति यहाँ पे भी है, ये जो उनकी गाना आया था इसमें प्रॉपर वैसा ही, अमृत मान के साथ जो गाना था वैसे ही एकदम सेम उसका मैनेजर बनाया, देखो आप। वैसे आप देखते हैं इसमें एक स्पेशल गन लगी है सिक्योरिटी के लिए। ये भाई की फैमिली फ़ोटो है यहाँ पे, अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। गाइस अभी मूसे से हम घर जा रहे हैं, अंदर हम जाए मम्मी पापा से मिल लिए, लेकिन मैंने अंदर कैमरे का यूसेज नहीं करा और उनके साथ जो फ़ोटोज़ वोटोज़ है वो भी मैंने नहीं ली, बिकॉज मैं यही सोच गया था घर से भी बस फिर आप समझते हो ना कि यार उनके प्राइवेसी रीज़न है, फिर अच्छा नहीं लगता कि हम हाल चाल पूछने आए तो उनके साथ फ़ोटो वोटो लिए, तो वो मैंने नहीं लिए। बाकी मैंने इधर हवेली सारी इधर कवर कर ली, या अंदर सिक्योरिटी रीजन वगैरह ज़्यादा तो मैंने यूज़ नहीं करा, मैं फालतू किसी को क्यों तंग करना है, तो इस साइड की तो मैंने पूरी कवर कर ली, अपनी वीडियो में देख ली होगी इस साइड की, इसलिए मैंने कवर नहीं की है। तो अभी तो हम घर चल रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से 2000 सब्सक्राइबर मेरे हिसाब से जब तक ब्लॉग डालूंगा तब तक हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपनी फैमिली ऐसे ग्रो करती रहे, एंड अपन मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।